आईपीएल 2025 को लेकर एक बड़ी खबर, गुजरात टाइटंस और आशीष नेहरा के रास्ते अलग हो सकते हैं और साथ ही साथ मालिकाना हक में भी होगा बड़ा बदलाव। जय, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या हो सकता है गुजरात टाइटंस के टीम में फेरबदल और कैसे हो सकते हैं मालिकाना हक में बदलाव। 2025 से पहले मेगा ऑक्शन होना है, ऐसे में टीमें कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करेंगी, जिसमें से रिटेन की सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है कि कौन से खिलाड़ी रिटेन होंगे। ऐसे में तो खिलाड़ियों की बात चली रही है, लेकिन अब कोचिंग स्टाफ में भी बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जी, अभी तक कोच आशीष नेहरा रहे हैं और उनके बैटिंग कोच और टीम के मेंटोर गैरी कैस्टन, इन दोनों को लेकर भी बदलाव के संकेत मिल रहा है। और मालिकाना हक जो अब तक हालांकि सीबीसी कैपिटल्स के पास है, लेकिन उसमें एड ऑन होने की बात करें तो टोरेंट फार्मा या अडानी ग्रुप हो सकता है ऐसा मिलो। वैसे भी आपको मैं बता दूं, अडानी ग्रुप जो है एक इंडिया में एक लीडिंग ग्रुप माना जा रहा है, तो ऐसे में उनकी क्रिकेट में दिलचस्पी ये भी देखने वाली बात होगी। बदलाव तो संभव है, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण होता है। वैसे देखा जाए तो आईपीएल 2025 से पहले जो मेगा ऑक्शन है उसमें भी काफी समय है, और आईपीएल 2025 में जो प्लेयर होंगे इसमें भी काफी चेंजेस होंगे, कैप्टन में भी चेंजेस होंगे, ऐसी सुगबुगाहट है, ऐसी खबरें आ रही हैं। टीम के मालिक सीबीसी कैपिटल्स मेगा ऑक्शन से पहले कोचिंग में जो बदलाव चाहते हैं वो खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हेड कोच को लेकर है और मेंटोर बैटिंग कोच को लेकर है। इसमें संशय बना हुआ है, ये चीजें अभी तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन एक खबर की माने तो ये बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्टर इस टीम के विक्रम सोलंकी हैं, हेड कोच नेहरा है और मेंटोर की बात करें तो गैरी कैस्टन। लेकिन गैरी कैस्टन इस वक्त फिलहाल उन्होंने दामन थाम लिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की वो हेड कोच बन चुके हैं, ऐसे में मुझे नहीं लग रहा है कि वो पूरा समय दे पाएंगे और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी ने काफी फेरबदल करने की। और जो तलवार लटक रही है वो नेहरा के ऊपर लटक रही है। दोस्तों आपको पता होगा नेहरा भारतीय टीम के एक शानदार गेंदबाज रहे हैं, आईपीएल में दो बार उन्होंने हेड कोच की भूमिका निभाई है जीटी के लिए, एक बार उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया, दूसरी बार उन्होंने टीम को रनर अप बनाया। हालांकि आप देखें तो यह सीजन बहुत खराब गया आशीष नेहरा और उनकी टीम जीटी के लिए, लेकिन कप्तान बदले तो शायद सोच भी बदली होगी, लेकिन वो दो साल जो उन्होंने जीटी के लिए दिए बहुत ही कीमती थे। बहुत सारे लोग कहते हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मैंने सुना है और आप लोगों को भी पता है, कोच आशीष नेहरा फुटबॉलर के कोच के तौर पर नजर आते हैं। कई बार वो ग्राउंड के पास चले जाते हैं और खिलाड़ियों को डायरेक्ट मैसेज देते हैं, जैसे कि फुटबॉल के मैचेस में होता है, मेहनत करते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अगर वो जीटी का दामन छोड़ेंगे तो देखने वाली बात होगी कि जीटी के अगले कोच कौन होंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।